हेलो दोस्तों नमस्ते आदाब सत आपका दोस्त गौरव टेक्स्ट पे पर स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाइए तैयार क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं एसएससी सिलेक्शन फेज टेन पे वार पर दोस्तों हम लोग करेंगे मिक्स क्वेश्चन जिस तरीके से दोस्तों पहले इससे पहले जो पैटर्न में एग्जाम आए मतलब हुए हैं उस पैटर्न को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे आज दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी और दोस्तों जो एम की एक्सपेक्टेड क्लास है आपकी वो दोस्तों दो बजे से होगी आपकी डेली ठीक है मतलब जब तक एग्जाम चलने वाला है ठीक है तो अभी हम यहाँ पे करेंगे फेज़ टेन की आप लोगों की डिमांड भी थी सर फ़ेज़ टेन की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनको लेकर आइए तो दोस्तों आ गई आपके लिए क्लास तो एक बार फटाफट से सभी लोग शेयर कर देंगे दोस्तों जितने लोग यहाँ पर अभी हैं और दोस्तों भर भर के सभी को गुड इवनिंग तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं यस yes, हेलो आपको भी गुड इवनिंग ब्लैक ऐश्वर्या एम सबको भर भर के यश चंद्रवंशी तो दोस्तों यहाँ पर है मोटिवेशनल कोड भूखा पेट खाली जेब सच्ची पढ़ाई विद्यार्थी को जीवन में सफल बनाती है तो सर कई बार है भाई ज़्यादा खा लोगे तो नींद आती है सही बात है ठीक है जेब में पैसा होगा तो घूमने निकल देंगे ठीक है तो जब यहाँ पर दोस्तों जो स्टूडेंट होता है उसके पास अगर ये सच्ची पढ़ाई खाली पेट जेब और भूखा पेट होता है ना तो डेफिनेटली बहुत हाई किक मारता है और वो आगे जाके सक्सेस होता है और दोस्तों तो इसी के साथ साथ हम बढ़ेंगे आगे की तरफ अगर आप रेडी हो तो एक बार फटाफट से थम्सअप कर दो जिससे हम यहाँ पर आगे बढ़े और मुझे पता चल जाए मेरी वॉइस और स्क्रीन एकदम क्लियर है तो ठीक है अरे भाई गुड इवनिंग भाई तनिष्क एम राहुल सबको भाई भर भर के ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ दोस्तों यहां पर पूछा गया है माउंट फुजियामा इन जापान इज एन एग्जाम्पल ऑफ दोस्तों जापान में माउंट फुजियामा डैश का एक उदाहरण है फोल्डेड माउंटेन का है वॉल्केनिक माउंटेन का है ब्लॉक माउंटेन का है या फिर रेसिडुअल माउंटेन का है जल्दी से बताइए दोस्तों ये किसका एग्जाम्पल है फुजियामा जो है ये किसका एग्जाम्पल है एम कह रहे सर बी ऑप्शन होना चाहिए ओके आ, बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी से बताएंगे ब्लैक भी कह रहे सर बी होना चाहिए तनिष कह रहे सर वॉल्केनो राहुल कह रहे सर बी तो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर होगा बी वॉल्के दोस्तों अगर हम बात करते हैं फोल्डेड माउंटेन की दोस्तों सबसे पत... आपको पता है यंग फोल्ड माउंटेन अपन जो कहते हैं आपको उसका नाम पता होना चाहिए हिमालय जो है वो उसका नाम गिना जाता है ठीक है ये आपके एम में भी क्वेश्चन आया था लेकिन दोस्तों वहां पे हिमालय ऑप्शन नहीं दिया था वहां पे एल्प्स दिया था तो एल्प्स भी कैसा है यंग फोल्ड माउंटेन है यंग फोल्ड माउंटेन बनता कैसे दोस्तों वैन टू टेक्टोनिक प्लेट्स स्ट्राइक विथ हीच अदर जब दोस्तों टेक्टोनिक प्लेट टकराती हैं, फिर उसके बाद दोस्तों जो उससे ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन और आपको पता है हिमालय में माउंट एवरेस्ट की हाइट हर साल दोस्तों थोड़ी ना थोड़ी बढ़ती जा रही है और अभी हाइट दोस्तों एट एट 48.86 मीटर है ये याद रखिएगा ठीक है अगर मैं बात करता हूँ ब्लॉक माउंटेन दोस्तों ब्लॉक माउंटेन एक्चुअली क्या होता है बहुत बड़े बड़े चट्टानों से एक्चुअली टूट कर ये बनी होती है ब्लॉक माउंटेन में दोस्तों अगर मैं बात करूँ जो इसके साइड में होते दोस्तों उसकी जो हाइट होती, होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द बीच वाले पार्ट से तो बीच में थोड़ा कम होता है हाइट और बाकी किनारे किनारे बहुत ज्यादा हाइट होती है उसको हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन दोस्तों इन स्क्रिप्ट वर द अशोकाज इंस्क्रिप्शन अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं आपसे पूछा गया है देवनागरी पर्शियन संस्कृत और ब्राह्मी जल्दी से बताइए दोस्तों किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं फटाफट फड़ से जल्दी से बताना है देखते हैं कितने यहां पे कह रहे किमज कह रहे सर डी होना चाहिए ब्राह्मी ओके और बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों क्या ब्राह्मी लैंग्वेज करेक्ट होगा तो सभी लोगों ने कहा सर ब्राह्मी ब्राह्मी तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहां पे ब्राह्मी लैंग्वेज अब दोस्तों अशोक की बात की जाए तो ये मौर्य डायनेस्टी से किससे दोस्तों मौर्य डायनेस्टी से है ठीक है दोस्तों अशोक को राजा बना दिया गया था 269 सिक्स नाइन बीसी में ठीक है 261 सिक्सटी बी सी में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट वॉर हुई थी जिसको हम लोग कहते हैं कलिंग वॉर कौन सी दोस्तों कलिंग युद्ध कहते हैं ठीक है ठीके? तो याद रखिएगा कलिंग युद्ध हुई थी अच्छा दोस्तों अशोका ने एक अशोका किसको फॉलो करते थे बुद्ध को फॉलो करते थे और इन्होंने दोस्तों एक काउंसिल कराई थी दोस्तों कौन से नंबर की काउंसिल थी दोस्तों क्या वो थर्ड नंबर की काउंसिल थी क्या दोस्तों थर्ड नंबर की कब हुई थी दोस्तों जल्दी से बताइए टू फिफ्टी बीसी में हुई थी और दोस्तों ये कहां पर हुई थी ये आपको बताना है ठीक है पहली दोस्तों कब हुई थी फोर एटी बीसी में हुई थी पहली दूसरी दोस्तों थ्री एट्टी थ्री बी में हुई थी ठीक है तीसरी दोस्तों टू फिफ्टी बी में हुई थी और चौथी दोस्तों सेवेंटी टू ए में हुई थी तो ये याद रखेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल ठीक है दोस्तों यहाँ पे अशोका को ही किस नाम से जाना जाता था यहाँ पे देव नाम प्रिया क्या दोस्तों देव नाम प्रिया के नाम से जाना जाता है या फिर आप कह सकते हो चंड अशोक क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता था कि इन्होंने अपने भाइयों को मार कर गद्दी पर बैठे इसलिए उनको चंड अशोक कहा जाता था ठीक है वेरी गुड यहाँ पे एम पाटलिपुत्र में हुई थी अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फोर्ट इन दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध डैश तक लड़ा गया था क्या 1814 से 1818, 1822 से 1826, 1912 से 1917, 1914 से 1918 जल्दी से बताइए हाँ जी चंड अशोक भी कहते थे और देव नाम प्रिया भी कहते थे बहुत बढ़िया जल्दी से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आंसर आना स्टार्ट हो चुका है वेरी गुड दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कई लोग कह रहे सर चौदह से अट्ठारह तो दोस्तों चौदह से अट्ठारह तो ऊपर वाले ऑप्शन में भी है ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए यस वेरी गुड राहुल माई एम किम जोंग उन उनहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उन्नीस सौ चौदह से उन्नीस सौ अट्ठारह ठीक है क्या होगा दोस्तों उन्नीस सौ चौदह से उन्नीस सौ अट्ठारह यहाँ पे होगा और दोस्तों वर्ल्ड वॉर की बात की जा रही है दूसरी अगर वर्ल्ड दोस्तों वर्ल्ड वॉर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी वर्ल्ड वॉर टू की तो ये कब से कब हुआ था दोस्तों जल्दी से बताइए वर्ल्ड वॉर टू जो है वो कब से कब हुआ था सभी लोग बताएंगे हाँ पहला तो दोस्तों 14 से 18 सभी ने बता दिया ठीक है यहाँ पे सभी लोग के अभी तक आंसर नहीं आए हाँ बिल्कुल एम ने बताया सर 1939 से 1945 वेरी गुड 1935 थर्टी फाइव यहाँ थर्टी से 1945 तक तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर टू हुआ था जहाँ पर दोस्तों जापान ने गलती क्या की थी उसने क्या किया पर्ल हब पल हब पे जाके क्या किया दोस्तों यहाँ पे बॉम्ब गिरा दिया था ठीक है यूएसए को तभी तो गुस्सा आया और उसने दोस्तों दो बॉम्ब गिराए थे एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को ठीक है 6 अगस्त को दोस्तों लिटिल बॉय कौन सा दोस्तों लिटिल बॉय बॉम्ब गिराया यूएसए ने और दोस्तों 9 अगस्त को फैटमैन बॉम्ब गिराया जिसके बाद दोस्तों युद्ध जो है एकदम अंत पर आ गई थी क्योंकि जो जापान हार भी नहीं मान रहा था है ना तो यहां पर सिक्स और नाइन अगस्त को बम गिराना पड़ा ठीक है अगला प्रश्न दोस्तों विच स्टेट इज नोन एज ऑफ इंडिया दोस्तों किस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है नागालैंड को कहा जाता है मणिपुर को त्रिपुरा को या फिर आसाम को जल्दी से बताइए दोस्तों किसको कहते हैं हाँ बिल्कुल यहां पर जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा किसे गहना कहा जाता है कह रहे सर मणिपुर को कह रहे हैं एम ओके ब्लैक uh, कह रहे हैं मणिपुर ज्योति मणिपुर के साथ हिमांशु किमजोंग ओन तो दोस्तों जितने लोग यहाँ पे मणिपुर कह रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है दोस्तों मणिपुर को कहा जाता है दोस्तों मेघालय को मेघालय को क्या कहा जाता है कई बार पूछा जा चुका है तो दोस्तों दो चीज़ें इसको याद रखिएगा इसको अबोर्ड ऑफ क्लाउड कहा जाता है अबोर्ड ऑफ क्लाउड बोले तो दोस्तों यहाँ पे बादलों का घर या फिर इसे कहा जाता है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया क्या दोस्तों स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ठीक है मणिपुर की बात करते हैं दोस्तों इसकी है कैपिटल क्या है इम्फाल है क्या दोस्तों इम्फाल है ये आपसे पूछा जाता है कीबुल नाम जो दोस्तों जो नेशनल पार्क है वो आपको कहाँ पर मिलेगा मणिपुर में ही मिलेगा ठीक है अगर मैं बात करूँ नागालैंड की कैपिटल क्या है दोस्तों कोहिमा है यहीं पर आपको दोस्तों नागा ट्राइब मिलेगा क्या मिलेगा नागा ट्राइब मिलेगा और यहीं पर आपको नेशनल पार्क इतानकी क्या दोस्तों इतानकी नेशनल पार्क मिलेगा अगर त्रिपुरा की बात करता हूँ दोस्तों तो त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला ठीक है क्या दोस्तों अगरतला और दोस्तों यहीं पर कोल्ड लेपर्ड जो है वो नेशनल पार्क मिलेगा कोल्ड लेपर्ड नेशनल पार्क ठीक है असम की बात करूं दोस्तों असम की कैपिटल क्या है दिसपुर है दिसपुर याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ वेरी गुड एम ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वेरी गुड मलिक अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सामने which of the following planet in the solar system have no satellite दोस्तों आपसे पूछा गया है सौरमंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है क्या वो अर्थ है अर्थ मार्स है मरकरी वीनस है सैटर्न जुपिटर है या फिर अर्थ और वीनस है जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग बताएंगे फटाफट से यस आई कैन ये एम की क्लास डेफिनेटली आपकी होगी रात को 11 से 12 बजे दोस्तों जो हम लोग क्लास करते जीके का कर जगराता वो एम के बेस पे करेंगे और दोस्तों कल से दोपहर दो से तीन बजे दोस्तों आपके लिए एस एस के दोस्तों क्या होंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे ठीक है तो आज दोस्तों रात को 11 से 12 जो होगा आज जो भी शिफ्ट हुए हैं आपके तीन शिफ्ट उसके बेसिस पे 11 से 12 बजे मैं करवाऊंगा ठीक है यहाँ पे रहे सर बी ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सेटन यूरेनस नेपच्यून दोस्तों ये अंदर की तरफ प्लेनेट है सूरज इधर है तो इसको कहते हैं इनर प्लेनेट क्या कहते हैं दोस्तों इनर प्लेनेट कहा जाता है या फिर हम बोलते हैं इसको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट क्या कहते हैं दोस्तों टेरेस्ट्रियल अब दोस्तों ये बाहर की तरफ है तो हम इसको क्या कहेंगे आउटर प्लेनेट क्या कहेंगे आउटर प्लेनेट ठीक है दोस्तों ये यहां पर क्या हो गया ये लाइन मैंने क्यों खींची दोस्तों ये मार्स है ये जुपिटर है इन दोनों के बीच में होता है एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या होता है दोस्तों एस्ट्रॉइड बेल्ट इसको कहा जाता है अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पे पूछा गया किसके उपग्रह नहीं है तो दोस्तों यहां पे मरकरी और वीनस के उपग्रह नहीं होते हैं दोस्तों आपको अर्थ का पता है यहां पे मून जो है इसका उपग्रह है मार्स के दोस्तों दो होते हैं फोबोस और डेमोस क्या दोस्तों फोबोस एंड डैमोस होते हैं ठीक है जुपिटर के, दो के दोस्तों सेवेंटी उपग्रह होते हैं सैटन के दोस्तों एट्टी उपग्रह होते हैं और यूरनस के दोस्तों सत्ताईस उपग्रह होते हैं नेपचून के कितने होते हैं ये आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में ठीक है तो ये याद रखिएगा यस yes, बिल्कुल एम यहाँ पर आफ्टर स्ट्रॉय जोवियन भी होते हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं और दोस्तों ये याद रखिएगा प्लूटो को प्लूटो को अब प्लेनेट नहीं कहा जाता है 2006 में दोस्तों इसको प्लूटो को क्या किया गया था प्लेनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया था ठीक है अगला क्वेश्चन आपके सामने इंडिया स्टेट दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट द अब इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच अमंग द फॉलोइंग भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा उपरोक्त जनादेश भारत के संविधान में कहा निहित है प्रियम्बल में आर्टिकल वन आर्टिकल आर्टिकल शेड्यूल जल्दी से बताइए दोस्तों कहां पर निहित है है यस बिल्कुल सही बता रहे हैं प्लेनेट में आता है। यहां पर प्लूटो बिल्कुल सही जिसको हम कहते हैं बोना प्लेनेट ठीक है यहाँ पे आंसर बताएंगे यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों कि आर्टिकल बी ऑप्शन वन होना चाहिए ऑप्शन वन के साथ जा रहे हैं ओके दोस्तों जितने भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आर्टिकल वन होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर ियम्बल दोस्तों क्या बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग कॉन्स्टिट्यूएंट सोलमली डिजोल्व इंटू सोशलिस्ट किसमें दोस्तों सोशलिस्ट सोवरेन किसमें सोवरेन सेकुलर रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक ठीक है याद रखिएगा प्रियम्बल को दोस्तों प्रस्तावना कहते हैं ठीक वन, वन, है याद रखेंगे रिलेटेड है ये याद रखेगा जब हमारा संविधान बना था तब हमारे पास तीन सौ पंचानवे क्या थे दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल थे और बाइस जो है दोस्तों भाग थे पार्ट थे और आठ जो है दोस्तों अनुसूची थी ये याद रखेगा अभी दोस्तों पच्चीस भाग है ठीक है यहाँ पे चार अनुच्छेद है और दोस्तों बारह जो है वो हैं है ये याद रखेगा दो साल ग्यारह महीने और अठारह दिन लग गए थे दोस्तों संविधान को बनाने में भारत के संविधान को बनाने में ठीक है वेरी गुड एम तनेश ज्योति यस कुमार गणेश आपको भी गुड इवनिंग चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों सेल रेस्पिरेशन इज कैरीड आउट बाय दोस्तों कोशिका श्वसन डैश द्वारा किया जाता है राइबोसोम द्वारा माइट्रोकॉन्डिया द्वारा क्लोरोप्लास्ट द्वारा या फिर गोल्गी बॉडीज द्वारा जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे किसके द्वारा किया जाता है सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से यहाँ पे कह रहे हैं एम माइट्रोकॉन्डिया होना चाहिए ओके बाकी लोग क्या कहते हैं बी ऑप्शन रू कह रहे हैं शर्मुखा ब्लैक एम वेरी गुड त्रोत बहुत बढ़िया यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों माइट्रोकॉन्डिया माइट्रोकॉन्डिया को एक्चुअली कहा जाता है दोस्तों पावर हाउस ऑफ द सेल क्या कहा जाता? कहा जाता है दोस्तों पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है दोस्तों न्यूक्लियस जो है ना आपको माइट्रोकॉन्डिया में मिल जाएगा सॉरी डीएनए क्या दोस्तों डीएनए जो है आपको माइक्रोकॉन्डिया में मिलेगा और न्यूक्लियस में मिल जाएगा राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है ये याद रखिएगा ठीक है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट जो है वो किसके लिए होता है जल्दी से बताइए दोस्तों ये प्लांट में आपको देखने को मिलता है ठीक है और गोल्गी बॉडीज दोस्तों ये किस किसने डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी ने किया था ये याद रखेगा ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है दोस्तों सेल की अगर बात करें सेल की स्टडी को क्या कहते हैं स्टडी ऑफ सेल कहा जाता है साइटोलॉजी क्या कहते हैं दोस्तों साइटोलॉजी कहते हैं सेल को खोजा किसने था दोस्तों तो सेल को खोजा था यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने दोस्तों किसने रॉबर्ट हुक ने खोजा था सोलह में कब दोस्तों सोलह ने और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन भी कई बार पूछ लिया जाता है तो रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों न्यूक्लियस की खोज की थी ये याद रखेगा ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बहुत बढ़िया चले दोस्तों किचन ऑफ द सेल कहा जाता है प्लास्टिड को किसको कहते हैं दोस्तों किचन ऑफ द को कहा जाता है ये याद रखिए किचन ऑफ द सेल प्लास्टिड ठीक है ये प्लांट में आपको देखने को मिलता है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने विच सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाय बॉम्बे फाउंडेड इन बॉम्बे बाय ददोबा एंड आत्मा राम पांडुरंगा इन बिकेम पॉपुलर आफ्टर एम जी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों बंबई में ददोबा एवं आत्मा राम पांडुरंगा द्वारा किस सामाजिक सुधार संस्थान की स्थापना की गई एम जी रनाडे के संस्थान के साथ जुड़ने के पश्चात यह लोकप्रिय हुआ देव समाज ब्रह्मो समाज प्रार्थना समाज और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जल्दी से बताइए सी ऑप्शन कह रहे हैं ओके okay, बाकी लोग चलिए सभी लोग जा रहे हैं सर सी होना चाहिए सी होना चाहिए बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ पे जितने लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं उनका करेक्ट आंसर दोस्तों इसको दोस्तों फाउंड कब किया गया था 1867 में किया गया था कब किया गया था अठारह में अगर मैं बात करता हूं ब्रह्म समाज को इसको किसने किया था दोस्तों राजा राम मोहन रॉय जी ने किया था क्या दोस्तों जल्दी से बताइए राजा राम मोहन रॉय ठीक है कब किए थे दोस्तों अठारह में अच्छा दोस्तों सर्वेंट इंडिया किसने किया था सभी लोग बताइए दोस्तों सर्वेंट इंडिया किसने किया था ठीक है दोस्तों यहाँ पे रामकृष्ण मिशन कौन सा दोस्तों रामकृष्ण मिशन की बात करूं तो 1897 में स्टार्ट हुई थी ये याद रखेंगे आर्य समाज की अगर बात करता हूं किसकी दोस्तों आर्य समाज की अगर हम बात करते हैं तो 1875 में की गई थी दोस्तों रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी द्वारा किया गया था ठीक है आर्य समाज दोस्तों दयानंद सरस्वती द्वारा ये भूलेगा नहीं, ठीक ठीक है है। आगे बढ़े। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले पे इंडियन, यहाँ पे servant of Indian society को को किया था इन्होंने, अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी है ठीक है यहां पे गोपाल कृष्ण गोखले सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पे फादर ऑफ नेशन किसे कहा है बताइए लोग कह रहे सर गोपाल कृष्ण गोखले होना चाहिए ओके बाकी लोग क्या कहते हैं फटाफट फड़ बताएंगे यहाँ पे महाकाल कह रहे सर सुभाष चंद्र बोस जी होना चाहिए ओके तो दोस्तों बोस बोस रूह कह रहे हैं हीरालाल कह रहे सर ऑप्शन नंबर बी तो दोस्तों बी करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था दोस्तों यहाँ पे इनको फादर ऑफ द नेशन दोस्तों यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी जी के किसके दोस्तों पॉलिटिकल गुरु थे ये महात्मा गांधी जी के सुभाष चंद्र बोस जी ने दोस्तों आईएनसी एन प्रिसाइड की थी दो आईएनसी एनसीड की थी मिली 1938 की उन्नीस की दोस्तों उन्नीस में दोस्तों हरिपुरा क्या दोस्तों हरिपुरा और दोस्तों उन्नीस दोस्तों त्रिपुरी क्या दोस्तों त्रिपुरी ठीक है ये याद रखेगा अब दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के कौन गुरु थे दोस्तों तो वो एम जी थे कौन दोस्तों एम जी रनाडे थे ये याद रखेगा दोस्तों यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी भी लिखे हैं तो इनके गुरु कौन थे दोस्तों इनके गुरु थे सी आर दास क्या दोस्तों सी आर दास चित्रंजन दास थे ये याद रखेंगे किसके सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु दोस्तों यहाँ पे महात्मा जो है यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी लिखा हुआ है ये महात्मा जो टर्म है ये किसने दिया था महात्मा गांधी को ये दिया गया था रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किसके द्वारा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दोस्तों इनको यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है

क्या वो मेघालय है वेस्ट बंगाल है अरुणाचल प्रदेश है या फिर त्रिपुरा है जल्दी से बताइए फटाफट फड़ बताएंगे और दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है एक बार फटाफट फड़ से शेयर करेंगे और लाइक करेंगे एम का आंसर आ गया सिडबोर्ड का आ गया कुमार गणेश वेरी गुड तनुजा रूहू शनमुखा क्या बात है बिल्कुल नीता वेरी गुड यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अगर हम सेवन सिस्टर की बात करते हैं दोस्तों तो चलिए काउंट कर ले कितनी है सेवन सिस्टर में भैया कौन कौन है एक तो मणिपुर है ठीक है मणिपुर हो गया दूसरे कौन है मेघालय हो गया ठीक है मेघालय लिख लेते हैं ठीक है अरुणाचल प्रदेश हो गया ठीक है नागालैंड हो गया ठीक है त्रिपुरा हो गया ठीक है असम हो गया ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स ही हुए ना दो दो, दो चार दो छः भैया एक कौन छूट गया जल्दी से बताइए दोस्तों कौन छूट रहा है मणिपुर हो गया मेघालय हो गया अरुणाचल प्रदेश नागालैंड त्रिपुरा असम और कौन छूट रहा है फटाफट बताइए कोई एक तो छूट रहा है शिलोंग मेघालय की कैपिटल है शिलोंग तो महाकाल ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ठीक है अगरतला सिक्किम नहीं है सिक्किम नहीं है दोस्तों मिजोरम अच्छा हाँ मिजोरम छूट गया हम यहाँ पे किसी ने तो बहुत सही आंसर दिया बहुत बढ़िया यहाँ पे मिजोरम छूट गया अपन से किसने जवाब दिया था सबसे पहले प्रियंका वेरी गुड प्रियंका दोस्तों यहाँ पे और सिक्किम दोस्तों क्या कहा जाता है ये सात भाइयों सॉरी सात बहनों का एक भाई जो है सिक्किम को कहा जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने प्रोसेस टू प्रोड्यूस हीट इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन नाभिकी ऊर्जा केंद्र को में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है फ्यूजन ऑफ यूरेनियम फ्यूजन ऑफ यूरेनियम न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन यूरेनियम और इंटरनल कंजन ऑफ यूरेनियम जल्दी से बताइए फटाफट बताइए जल्दी से अच्छा तनिष कह रहे सर मैंने दिया था ओके तनिष ठीक है अच्छी बात है भाई यहाँ पर आंसर देना है हमें ठीक है फोकस आंसर पे होना चाहिए जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है ए ऑप्शन कह रहे हैं एम ओके ठीक है ए ए ऑप्शन आ रहा है सभी का ब्लैक ब्लैक का हीरा का ज्योति सुशील कह रहे बी तो सुशील बी यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे फीजन होगा दोस्तों तो सीधी सी बात है क्योंकि बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन की दोस्तों जब भी न्यूक्लियर होता है तो दोस्तों ये टूटता है फीजन में क्या होता है दोस्तों ये टूटते हैं मान लीजिए ये एक वो है ठीक है ये किस में टूटेगा यूरेनियम दो में ऐसे टूट जाएगा फिर ये दो में टूट जाएगा ठीक है फिर ये दो में टूट आएगा तो ऐसे टूटते हुए चले जाएंगे फ्यूजन में क्या होता है दोस्तों जुड़ते हैं क्या होता है जुड़ते हैं जैसे कि सन में सन में आपको न्यूक्लियर फ्यूजन देखने को मिलेगा ना कि फ्यूजन देखने को मिलेगा ये याद रखिएगा ठीक है

फटाफट फड़ से यहां पे सर डी ऑप्शन डी ऑप्शन कह रहे हैं कह रहे सर किमजोंगल होना चाहिए तो दोस्तों यहां पे answer क्या होगा? Answer होगा आपका ब्लैक सॉइल होगा क्या होगा दोस्तों ब्लैक सॉइल होगा ये याद रखिएगा दोस्तों एलुवियल सॉइल दोस्तों आपको कहां पे देखने को मिलेगा नॉर्थ साइड में कहां पे दोस्तों North side में। दोस्तों नॉर्थ साइड में दोस्तों, दो तो प्रकार की होती है सबसे ज्यादा दोस्तों एलुवियल सॉइल आपको मिलेगा जलोड़ मिट्टी जिसको हम कहते हैं मोस्ट जो सॉइल होती है वो एलुवियल सॉइल होती है अपने भारत में दोस्तों न्यू एल्यूवेल जो नई एल्यूवेल होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं जल्दी से बताइए खद्दर क्या दोस्तों खद्दर और दोस्तों जो पुरानी होती है उसको हम कहते हैं भंगर ठीक है कैसे याद क्या था भंगार पुराने होते हैं इसलिए भंगार भंगर ठीक है यहां पे दोस्तों येलो सॉइल दोस्तों ये आपको राजस्थान की तरफ देखने को मिल जाएगी कहां पे राजस्थान ब्लैक सॉइल दोस्तों आपको एमपी महाराष्ट्र और थोड़ा सा गुजरात वाले पार्ट में देखने को मिलेगा ब्लैक को दोस्तों कहा जाता है रेगुर सॉइल क्या कहा जाता है रेगुर सॉइल ब्लैक की दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका वाटर रिडेमशन पावर जो है क्या दोस्तों वाटर रिडमशन पावर वो बहुत अच्छा है ठीक है याद रखेगा ब्लैक में

आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों और दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट बड़ से क्या करना है लाइक करना है और शेयर करना है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ स्कर्वी इज अ कॉज ड्यू टू द डिफिशंसी ऑफ दोस्तों स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है यह पूछा गया है विटामिन डी विटामिन के विटामिन सी और विटामिन ए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों यहां पे कह रहे हैं सी ऑप्शन होना चाहिए सन्मुखा कह रहे हैं महाकाल एम रूह सन्मुखा ठीक है अरजीत वेरी गुड राहुल राजा चलिए दोस्तों यहाँ पे विटामिन सी करेक्ट आंसर हो क्या होगा विटामिन सी क्योंकि स्कर्विक की बात कर रहा है विटामिन सी को दोस्तों क्या बोला जाता है एस्कॉर्बिक बोला जाता है क्या कहते हैं दोस्तों एस्कॉर्बिक कहा जाता है ये याद रखना है ठीक है दोस्तों यहाँ पे विटामिन सी जो है ये साइट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स में मिल जाएगा किसमें दोस्तों साइट्रिक एसिड वाले जो फ्रूट होते हैं ना उनमें आपको विटामिन सी मिल जाएगा विटामिन सी दोस्तों ये कैसा है वाटर सोल्यूबल है कैसा दोस्तों ये वाटर सोल्यूबल है ये पानी में घुल जाता है ठीक है इसके साथ साथ दोस्तों विटामिन बी भी जो होता है वो भी पानी में घुलनशील होता है ये याद रखेगा विटामिन डी को दोस्तों कैलसी फेरोल कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों कैल्सी फेरोल कहते हैं और इससे दोस्तों क्या क्या होती है एक तो रिकेट्स हो जाती है इसकी कमी से ठीक है फिर ऑस्टोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस भी आप कह सकते हैं दोस्तों विटामिन के दोस्तों अगर विटामिन के की कमी हो जाए सबसे पहले इसको बोलते क्या है दोस्तों इसको फाइलोक्विनिन बोलते हैं क्या दोस्तों फाइलोक्विनिन कहा जाता है ये याद रखेंगे इसकी कमी अगर हो जाए दोस्तों तो ये जो ब्लड कोगुलेट होते हैं ना दोस्तों वो नहीं होगा क्या नहीं होगा ब्लड कोगुलेशन नहीं होगा मतलब अभी जो थक्के बनते हैं ना दोस्तों मतलब आप देखोगे कहीं कट लग गया तो ठीक है ठीके? और इससे दोस्तों हम लोग कहते हैं रतौंधी ठीक है याद रखेगा अच्छा दोस्तों अगर आपको विटामिन ए चाहिए तो येल्लो फ्रूट्स जरूर खाइए जैसे पपैया वगैरह हो गया तो उसमें आपको मिल जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं वेरी गुड एम अगला क्वेश्चन दोस्तों द ग्रेटेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज फॉर्म बाय विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना है कौन सा मिसिसिपी, मैसूरी गंगा ब्रह्मपुत्र यांगजे कियांग और हुआंगहे जल्दी से बताइए फटाफट से बताएंगे यहाँ पे कह रहे सर बी होगा बी होगा ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दोस्तों अगर मैं बात करूं गंगा कहाँ से निकलती है ये गंगोत्री से निकलती कहाँ से दोस्तों गंगोत्री से निकलती है और दोस्तों गंगा कब से बोला जाता है जब ये देव प्रयाग पे दोस्तों क्या होता है जब दो नदियां मिल जाती हैं जिसको हम कहते हैं अलकनंदा और दोस्तों भागीरथी जब मिल जाते हैं तो उसके बाद दोस्तों इसको कहा जाता है गंगा नदी ठीक है गंगा नदी की दोस्तों लेंथ जो है वो 2525 किलोमीटर है ये अपने भारत की सबसे बड़ी नदी है ये याद रखना है दोस्तों यहाँ पे बात करूँ अगर ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र निकलती है नियर मानसरोवर लेक कहाँ से दोस्तों नियर मानसरोवर लेक और ये कहाँ पर तिब्बत में और तिब्बत में दोस्तों इसको क्या कहा जाता है यारलंग सांगपो के नाम से जानी जाती है किस नाम से यारलंग सांगपो के नाम से ये जानी जाती है जैसे ही दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में घुसती है इसको हम लोग कहते हैं यहां पे दियांग और सियांग क्या दोस्तों दियांग और सियांग कहते हैं ठीक है असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में इसको दोस्तों जमुना कहते हैं क्या दोस्तों जमुना कहते हैं गंगा नदी को दोस्तों बांग्लादेश में पदमा कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं पदमा और दोस्तों जब पदमा और जमुना मिलते हैं तो अब हम उस नदी को कहते हैं मेघना नदी कौन सी दोस्तों मेघना नदी ये याद रखेगा यांगजे दोस्तों अगर मैं बात करूं एशिया की सबसे बड़ी नदी है और ये चाइना में है और चाइना की भी सबसे बड़ी नदी आप यांगजे को कह सकते हो ठीक है आगे बढ़े चलिए वेरी गुड महाकाल राजा ज्योति रूह स्वाति अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने बंगाल मूवमेंट वाज फाउंडेड इन दोस्तों युवा बंगाल आंदोलन 1826 से 32 की स्थापना कलकत्ता में डैश द्वारा की गई विवियन एंड्रोजी वॉरेन हार्सटिंग या फिर वेडनबर्ग या फिर विलियम बेंटिक यहाँ पे ए ऑप्शन कह रहे हैं एम और क्या कहते हैं दोस्तों बाकी लोग किमजोंग उन कह रहे सर टू होना चाहिए तो दोस्तों यहाँ तो अलग अलग आंसर आना स्टार्ट हो गए सभी के फटाफट फड़ बताइए चले ए ए कह रहे हैं ठीक है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ये करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर वन हैनरी विवियन डियोर्जी दोस्तों ये पहले क्या थे टीचर थे एक्चुअली एक पोर्तुगीज थे क्या दोस्तों ये एक पोर्तुगीज थे ठीक है ये यह दोस्तों यहाँ पे कलकत्ता में जो स्कूल था कॉलेज पे ये क्या थे एक टीचर भी थे, ये याद आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने मैच दोस्तों, आपको एक तरफ पॉल्यूटेंट दिया हुआ है एक तरफ मेजर इफेक्ट दिया हुआ है तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड रेन मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी या फिर क्रिएट्स होल इन ओजोन लेयर जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यस आई कैंड ये आपके एम में बिल्कुल काम आएंगे ऐसा नहीं है कि एम में आपके ये काम नहीं आएंगे लेकिन मैंने आपको ये बताया कि 11 से 12 जो क्लास होगी वो एम के बेसिस पे होगी जो आज के एग्जाम हुए उस शिफ्ट के बेसिस पे होगी यहाँ पे कह रहे सर सी होना चाहिए कुछ लोग कह रहे सर ब्लैक कह रहे सर डी होना चाहिए मेघा uh, कह रहे सर सी ज्योति थ्री के साथ चलिए महाकाल सी के साथ तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी सिंपल सा मैच कर लेते हैं दोस्तों एलिमिनेट आप आराम से कर सकते थे सबसे पहले देखिए सल्फर सल्फर ऑक्साइड है ठीक है सल्फर ऑक्साइड दोस्तों सीधी सी बात है एसिड रेन में होता है तो डी का मतलब फर्स्ट होना चाहिए था डी का फर्स्ट आपको ऑप्शन नंबर वन टू में मिलेगा और थ्री में बाकी में नहीं है तो बाकी को एलिमिनेट मार दीजिए ठीक है फिर आपको पता है क्लोरो की वजह से क्या होता है दोस्तों ओजोन में क्या हो रहा है होल हो रहा है तो यहां पे मतलब थ्री सी का क्या होना चाहिए था यहाँ पे फोर होना चाहिए था सी का फोर दोस्तों ऑप्शन नंबर थ्री में है करेक्ट होगा थ्री ठीक है अब मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों ओजोन में एक्चुअली होल नहीं हो रहा है ठीक है वहां की थिकनेस अब देखिए एक्चुअली डॉपसन में डॉपसन में नापी जाती है क्या दोस्तों यहाँ पे ओजोन की जो है थिकनेस को ठीक है अब दोस्तों इसकी थिकनेस है पंद्रह से पचास किलोमीटर दोस्तों यहाँ पे इसकी क्या हो रही है ना मान लीजिए कहीं पे पच्चीस किलोमीटर पहले थी इसकी थिकनेस लेकिन अब वो वहां पर हो गई है कितना वहां पर हो गई मान लीजिए बीस 20, 20 किलोमीटर इसका मतलब है वहां पे जो परत थी वो कम होती जा रही है होल नहीं हो गया दोस्तों होल तो हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों विच अमंग्रेवल कंटेम्प्री ऑफ चंद्रगुप्त टू दोस्तों आपको बता रहे हैं निम्नलिखित प्राचीन यात्रियों में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की अवधि के समकालीन थे मैगस्थिन और जुआंगजांग जल्दी से बताइए फटाफट -फड़ बताएंगे सभी लोग यहाँ पे कह रहे हैं आ, ब्लैक कह रहे सर ए ऑप्शन होना चाहिए अच्छा महाकाल कह रहे सर सी ऑप्शन शर्मुखा सी के साथ राहुल ए के साथ दोस्तों ध्यान से काम करेंगे देखिए आप लोग किसका आंसर कर रहे हो चंद्रगुप्त मौर्य का आंसर कर रहे हो मैगस्थिनि जितने लोग कह रहे हैं ठीक है लेकिन यहाँ पे चंद्रगुप्त टू कहा है तो करेक्ट आंसर क्या होगा अरजीत कह रहे ए होगा नहीं अरजीत ए नहीं होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे फाहि होंगे चंद्रगुप्त टू तो दोस्तों ये तो गुप्त वंश के हैं ना दोस्तों ये तो गुप्त वंश के हैं आप जो मैगस्थिनि आंसर कर रहे हो ये आप चंद्रगुप्त मौर्य समझ के आंसर कर रहे हो ठीक है यहां पे दोस्तों इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया था कि कंफ्यूज ना होइए ठीक है तो दोस्तों चंद्रगुप्त अगर की बात करता हूं गुप्ता डायनेस्टी की तो इसको फाउंड किसने किया था इसको फाउंड किया था श्रीगुप्त द्वारा किसको फाउंड किया गया श्रीगुप्त द्वारा इसके दोस्तों लास्ट किंग जो थे वो उनका नाम क्या था विष्णुगुप्त क्या था दोस्तों विष्णुगुप्त था ये याद रखेगा ठीक है अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त टू को कौन सा टाइटल दिया गया था तो विक्रम का टाइटल दिया गया था किसका दोस्तों विक्रम आदित्य का टाइटल दिया गया था ठीक है और किसी को टाइटल दिया गया हां श्रीगुप्त को महाराजा का टाइटल किसका दोस्तों महाराजा का टाइटल दिया गया ठीक है चंद्रगुप्त को दोस्तों क्या क्या दोस्तों दोस्तों का टाइटल दिया गया गया अगर मैं बात करूं समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त को समुद्र को दोस्तो? इंडियन नेपोलियन कहा, गया। क्या इंडियन कहा गया। इसी भी कुमार गुप्त जो है बिहार में है आगे बढ़े चलिए और दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है फटाफट फड़ से क्या करेंगे शेयर करेंगे और लाइक करेंगे चलिए वेरी गुड मोनिका महाकाल ज्योति एम वेरी गुड ऐश्वर्या बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन दोस्तों हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ दोस्तों माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर कुलदीप नायर जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट फड़ से बताएंगे ऋतिक देखिए अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक डरने की कोई बात नहीं है आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है प्रैक्टिस की हुई है तो डरना किसी चीज़ का नहीं है सिर्फ आपको जाके एग्जाम देना है एनालिसिस आपन ने डायरेक्टली किया हुआ है बहुत सारे आपके शिफ्ट के और दोस्तों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी किए हैं तो डरना बिल्कुल भी नहीं है आपको सिर्फ अच्छा परफॉर्म करना है तो दोस्तों यहाँ पर जितने लोग कह रहे हैं सर होना चाहिए बहुत बढ़िया ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा लाल कृष्ण आडवाणी होंगे दोस्तों क्या होंगे लाल कृष्ण आडवाणी दोस्तों ये बीजेपी पार्टी से हैं ठीक है याद रखिएगा दोस्तों ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रह चुके हैं क्या दोस्तों लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रह चुके हैं जब कांग्रेस यहाँ पे किस पे थी सेंटर पे थी ये याद रखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी की किताब है माई बुक माई लाइफ ठीक सॉरी माई कंट्री माई लाइफ ठीक है अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करें दोस्तों इनका दोस्तों इनके याद रखते हुए हम लोग पच्चीस दिसंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों पच्चीस दिसंबर को मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे क्या मनाते हैं दोस्तों गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं ये याद रखेंगे ठीक है अगर दोस्तों मैं बात करता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा जाता है फादर ऑफ जी क्या कहा जाता है दोस्तों फादर ऑफ जी कहा जाता है ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एम में पूछा गया था ये याद रखेगा ठीक है आगे बढ़े चलिए ललिता जी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे आप क्या सर्च करना है सिर्फ आपको एट द रेट गौरव सर टेक्स बुक क्या करेंगे दोस्तों गौरव सर टेक्स बुक कोई गैप मत दीजिएगा दोस्तों इसको डायरेक्टली ऐसे सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द हार्ट दोस्तों मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है क्या वो स्पाइनल कॉर्ड है मेडुला ऑब्लोंगोटा है न्यूरॉन है या इनमें से कोई भी नहीं जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हाँ सौम्या जी सिलेक्शन फेज टेन की ही क्लास चल रही है यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एमटीएस की मैंने आपको बताया कल दोपहर दो से तीन होगी और रात को ग्यारह से बारह भी होगी ठीक है दोपहर दो से तीन एक्सपेक्टेड करेंगे ग्यारह से बारह प्रैक्टिस क्लास यहाँ पे बी बी ऑप्शन कह रहे हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा मेडुला ऑब्लॉंगटा दोस्तों मेडुला ऑब्लोंगेटा करता क्या है ये इनवॉलेंट्री दोस्तों वर्क होते हैं ना इनवॉलेंट्री वर्क उनको कंट्रोल करता है कौन कौन से इनवॉलेंट्री वर्क होते हैं दोस्तों जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइस जहां पर दोस्तों आपको पता ना चले बट वो कंटिन्यू चल रहा है ब्लिंकिंग ऑफ आइस आपको पता नहीं चलता दोस्तों मतलब ऐसे तो पलक झपकेगा तो पता चलेगा लेकिन आप उसको नोट नहीं करते हो ठीक है दोस्तों हार्ट बीट जैसे हार्ट बीट जैसे दिल धड़कता है तो आप नोट करते हो क्या कि कितनी बार कर रहा है कितनी बार नहीं तो वो वाले वर्क कौन यहां पे करता है मेडुला ऑब्लोमेटा करता है ये याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने टू विच गेम हिमा दास इज एसोसिएटेड हिमा दास का संबंध किस खेल से है एथलेटिक्स स्विमिंग रेसलिंग या फिर यहाँ पे क्रिकेट जल्दी से बताइए दोस्तों हिमा दास का किस खेल से संबंधित है और दोस्तों यहाँ पर अभी हम 180 लोग लाइव हैं लेकिन लाइक सिर्फ और सिर्फ 89 ऐसा क्यों फटाफट से इसको भी हंड्रेड के ऊपर लेके चलते हैं एथलेटिक्स एथलेटिक्स कह रहे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा एथलेटिक्स दोस्तों हिमादास किस नाम से जानी जाती हैं इनको दोस्तों निक नेम से बुलाया जाता है ढिंग एक्सप्रेस किस नाम से दोस्तों ढिंग एक्सप्रेस के नाम से और दोस्तों पायोली एक्सप्रेस क्या दोस्तों पायोली एक्सप्रेस कहूं या फिर मैं कहूँ गोल्डन गर्ल कौन दोस्तों गोल्डन गर्ल के नाम से किसे कहा जाता था वो कहा जाता है दोस्तों पीटी उषा को किसको दोस्तों पीटी उषा को अच्छा दोस्तों पीटी उषा ने ये किताब लिखी है गोल्डन गर्ल ये याद रखिएगा ठीक है थीके? ये आपसे पूछ लिया जाता है स्विमिंग के दोस्तों एक बहुत फेमस खिलाड़ी है माइकल फिलिप कौन दोस्तों माइकल फिलिप इनका नाम याद रखिएगा ये कहाँ से है दोस्तों ये यूएसए से है यूएसए की तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं इन्होंने दोस्तों अब तक अट्ठाईस मेडल जीते हैं जिसमें से तेईस मेडल जो है दोस्तों वो गोल्ड है तीन जो है दोस्तों वो सिल्वर है और दो दोस्तों ब्रॉन्ज है तो तेईस तीन छब्बीस और दो अट्ठाईस मेडल ये जीत चुके हैं ये याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़े अच्छा दोस्तों रेसलिंग से अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के खिलाड़ी तो अमित पंगल दोस्तों कौन अमित पंगल सकते बता सकते हैं आप विजेंद्र सिंह बता सकते हैं ठीक है मैरी कॉम बता सकते हैं दोस्तों और लवलीना क्या दोस्तों लवलीना ठीक है ये आप आंसर दे सकते हो रेसलिंग से संबंधित है ठीक है वेरी गुड आ, सौम्या जी के और जी दोनों पढ़ाते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ठीक है आगे बढ़े चलिए हाँ अगला क्वेश्चन दोस्तों विच इज इंडिया स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दादरा नागर हवेली सॉरी दादरा नागर हवेली या फिर पुडुचेरी लक्षद्वीप और चंडीगढ़ फटाफट -फड़ बताइए दोस्तों यहाँ पे सभी लोग आंसर बताएंगे यस ब्लैक बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी बिल्कुल यहाँ पे लक्षद्वीप कह रहे हैं एम ओके ठीक है महाकाल बहुत बढ़िया आर्यन तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जितने लोग लक्षद्वीप कह रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो ये थर्टी टू किलोमीटर स्क्वायर में दोस्तों इसका एरिया है ठीक है इसको दोस्तों कोरल आइलैंड भी कहते हैं क्या दोस्तों कोरल आइलैंड भी कहा जाता है ठीक है अगर हमारे यहाँ का दोस्तों सबसे बड़ा आइलैंड देखिए भारत का तो दोस्तों उसको अंडमान को कहा जाता है किसको दोस्तों अंडमान एंड निकोबार को कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार की दोस्तों जो हाइएस्ट पीक पॉइंट है वो है सैडल पीक कौन सी दोस्तों सैडल पीक है ये याद रखेगा दोस्तों इस लिटिल अंडमान और यहाँ पे निकोबार को कौन अलग करता है तो टेन डिग्री चैनल याद याद रखिएगा दोस्तों टेन डिग्री ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों डैश वाज द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू विन अ मेडल इन पैरा ओलंपिक गेम दोस्तों डैश पैरा ओलंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली आ, यहाँ पे पहली भारतीय महिला थी यहाँ पे दोस्तों दीपा फोगट दीपा मलिक साइना नेहवाल और सरोजनी गुप्ता जल्दी से बताइए यस मलिक जी बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं आप विनय बिल्कुल सही मोनिका जी बहुत बढ़िया महाकाल कह रहे सर ऑप्शन नंबर टू होना चाहिए बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों क्या हाँ ऑप्शन नंबर टू होगा या फिर नहीं होगा चलिए तो दोस्तों जितने लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा दीपा मलिक दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था आपको पता होना चाहिए 2016 में दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है ये शॉर्टपुट से संबंधित है किससे दोस्तों शॉर्टपुट से है ठीक है दोस्तों एक दीपा कामरेकर भी है दीपा कामरेकर कौन दोस्तों दीपा कामरेकर वो किससे संबंधित है दोस्तों वो जिमनास्ट है कौन दोस्तों जिमनास्ट है ठीक है जिमनास्टिक है ये याद रखेगा ठीक है दीपा मलिक दीपा कामरेकर ये याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए

बाकी लोग क्या कहते हैं ठीक है चलिए दोस्तों यहां पे बात करते हैं तो दोस्तों यहां होगा न्यू दिल्ली क्या दोस्तों न्यू दिल्ली इसको 1875 में बनाया गया था क्या दोस्तों जल्दी से बताइए इसको स्टैब्लिस किस ईयर में किया गया था न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर सभी लोगों ने बताया लेकिन इसको स्टेब्लिश कब किया गया है सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से फटाफट से यहां पे अभी तक तो किसी ने नहीं बताया आ, बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर जो है अठारह ये याद रखिए अच्छा दोस्तों वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल के भैया हेडक्वार्टर कहां पे है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल का हेडक्वार्टर तो वो याद रखेंगे जिनेवा क्या दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज फॉर द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहां पर किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है क्या टेस्ला का जूल का लक्स का या फिर मोल का फटाफट बताइए यस yes, जेनेवा में हेड क्वार्टर है अगर आप वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल की बात करते हो तो यहां पे आपसे पूछा गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस यूनिट से मापते हैं सभी लोग बताएंगे यहां पे सर, जूल? जूल कैसे होगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मोल दोस्तों ठीक है दोस्तों जूल तो आप ये याद रख सकते हो एनर्जी को ठीक है हीट को ये आपके जूल में होते हैं ना दोस्तों ठीक है दोस्तो? लक्स अगर हम बात करें तो ये इल्यूमिनस की किसकी दोस्तों इल्यूमिनस की दोस्तों ये क्या है यूनिट है ये याद रखेंगे ठीक है आगे अच्छा दोस्तों अमाउंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी की बात करें तो कैंडला ठीक है याद रखिएगा दोस्तों तीन तरह की यूनिट होती है अपनी तीन तरह की कौन कौन सी होती है प्राइमरी होती है जिसमें दोस्तों सात आते हैं जैसे कि आपका हो गया कि यहाँ पर लेंथ हो जाएगा ठीक है अगर बात करूँ तो वेट हो जाएगा वेट का यूनिट ठीक है ये प्राइमरी है सेकेंडरी होती है दोस्तों एक सेकेंडरी होती है और होती है एक डिराइव्ड ठीक है जिसको दोस्तों यहाँ पे किसकी हेल्प से प्राइमरी की हेल्प से इसको बनाया जाता है डिराइव्ड यूनिट को ठीक है आगे बढ़ें चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्ला खां इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उस्ताद बिस्मिल्ला खां का संबंध किस वाघ यंत्र से है ये आपसे पूछा गया सहनाई सरोड वीना और फ्लूट फटाफट -फड़ बताइए जल्दी जल्दी से बताएंगे और दोस्तों जिन्होंने लाइक नहीं किया फटाफट -फड़ से यहां पे सहनाई आंसर आ रहा है ठीक है बाकी लोग क्या कहते हैं चलिए बहुत बढ़िया ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर जितने लोग ऑप्शन नंबर वन कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों सरोड से कौन है अमजद अली खान कौन दोस्तों अमजद अली खान तो इनका नाम याद रखिएगा ठीक है अगर मैं बात करू जाकिर हुसैन दोस्तों तो जाकिर हुसैन किससे संबंधित है वो दोस्तों तबला से हैं तबला वादक है ठीक है अगर मैं फ्लूट से दोस्तों ये आपसे हरिप्रसाद चौरसिया जी दोस्तों ये एम में आपके ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ठीक है आगे बढ़े अगला क्वेश्चन दोस्तों द केबुल लामजो नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट केबुल लामजो जो, जो कि राष्ट्रीय उद्यान है एक राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है त्रिपुरा मणिपुर मिजोरम और मेघालय जल्दी से बताइए फटाफट फड़ से यस यहाँ पे कह रहे हैं सर मणिपुर होना चाहिए मणिपुर मणिपुर कह रहे हैं स्वाति ऐश्वर्या फनी रूह वेरी गुड दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो हो क्या होगा मणिपुर होगा क्या होगा मणिपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बात की गई है फ्लोटिंग नेशनल पार्क की अगर दोस्तों फ्लोटिंग पोस्टल ऑफिस कह देते क्या कहते थे फ्लोटिंग पोस्टल ऑफिस या दोस्तों फ्लोटिंग हाउस बोट क्या दोस्तों फ्लोटिंग हाउस बोट कह देते तो, दे तो वह आंसर हमारा क्या होना चाहिए था डल लेक होना चाहिए था दोस्तों डल लेक में है फ्लोटिंग पोस्टल ऑफिस ठीक है या बात करें फ्लोटिंग हाउस बोट ठीक है और डल लेक कहाँ पर है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में है ये भी याद रखेंगे और दोस्तों इससे संबंधित एम में क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग दॉज कैरेक्टर ऑफ सिलेवरी बाय जवाहरलाल नेहरू दोस्तों निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दास्ता के चार्टर के रूप में वर्णित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन रेगुलेटिंग एक्ट या फिर वर्ना प्रेस एक्ट जल्दी से बताइए दोस्तों किसको कहा गया है फटाफट से बताएंगे सभी लोग महाकाल कह रहे सर बी ऑप्शन होना चाहिए ओके बाकी लोग क्या कहते हैं सभी लोग फटाफट फड़ से बताएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ 1935 कह रहे हैं त्रुथ महाकाल ओके ज्योति कह का सर बी ऑप्शन तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों से हमने क्या लिया हुआ है अपने यहां इमरजेंसी दोस्तों कंफ्यूज मत होना ये बार बार अपन पढ़ते हैं लेकिन बार बार लोग गलती करते हैं एमरजेंसी यहीं से ली गई है यूपीएससी की बात करू दोस्तों यूपीएससी की दोस्तों एमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है तीन सौ बावन में तीन सौ में है, 356 में है और 360 में है ठीक है तीन में दोस्तों नेशनल इमरजेंसी किसकी दोस्तों नेशनल इमरजेंसी जो कि भारत में तीन बार लग चुकी है उन्नीस सौ और उन्नीस ठीक है ये याद रखेगा सॉरी उन्नीस सौ और उन्नीस में दोस्तों अभी तक 360 मतलब जो फाइनेंशियल इमरजेंसी वो एक बार भी नहीं लगी है ये याद रखेंगे ठीक है यूपीएससी दोस्तों कौन से अनुच्छेद में है तो ये आर्टिकल 315 में है ठीक है ये याद रखेंगे आगे अच्छा ऑल इंडिया सर्विसेज अगर आपसे ऑल इंडिया सर्विसेज पूछ लेता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज कौन से अनुच्छेद में है तो आर्टिकल तीन में है ये याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए वेरी गुड अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है प्रेजिडेंट करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर जल्दी से बताइए कौन करता है दोस्तों यस ज्योति ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो तीन सौ बारह और ऑल इंडिया सर्विसेज में अगर कोई भी संशोधन करना है तो राज्यसभा उसको देखेगी या फिर कोई भी चेंज करना है ठीक है लोकसभा के पास वो पावर नहीं है आ, यहां पर कह रहे हैं ठीक है कह रहे सर बी ऑप्शन बी ऑप्शन तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा दोस्तों ये एम में आपके पूछा गया था कि ज्वाइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल्स से है तो दोस्तों इसका अनुच्छेद एक ठीक है कैसे याद करेंगे दोस्तों सब लोग बैठते हैं इसमें एक साथ तो सबका साथ एक हमने ऐसे याद किया था दोस्तों इसको बुलाता कौन है ज्वाइंट सिटिंग को तो वो प्रेजिडेंट बुलाते हैं लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है स्पीकर करते हैं अभी दोस्तों स्पीकर कौन है ओम बिरला है कौन है दोस्तों ओम बिरला है ये याद रखेगा और दोस्तों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन से अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों ये आर्टिकल तिरानवे में नाइन्टी थ्री में दिया गया है ये याद रखेंगे ठीक है वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं दोस्तों तो ये क्या होते हैं दोस्तों ये आर्टिकल तिरसठ में दिए हुए हैं कि भैया एक जो है देश का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए और दोस्तों यही उपराष्ट्रपति जो है वो सभापति होंगे राज्यसभा के ये कौन से अनुच्छेद में है ये आर्टिकल चौंसठ में दिया गया है ठीक है कि ये क्या होंगे सभापति होंगे प्राइम मिनिस्टर दोस्तों अनुच्छेद पचहत्तर में दिया हुआ है ये याद रखना है ठीक है आगे बढ़े चलिए बहुत बढ़िया आदित्य महाकाल अंजलि रूह हर्षल ठीक है हर्षल कह रहे सर टेलीग्राम लिंक तो दोस्तों मैं टेलीग्राम लिंक अभी आपको दे दूंगा थोड़ी देर से टेंशन मत लीजिए जैसी क्लास ओवर होगी आपको टेलीग्राम लिंक मैं दे दूंगा ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों, दोस्तों पुहार और कावेरीपटनम वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टी दोस्तों पुहार या कावेरीपटनम निम्नलिखित में से किस राजवंश का बंदरगाह है पलवा पांडवा चोल या फिर चेर जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग फटाफट से बताएंगे ठीक है जल्दी जल्दी से और दोस्तों हाँ टेलीग्राम के लिंक मैं दे दूंगा टेंशन नहीं लेना है सभी को तो यहां पे कह रहे सर चोल होना चाहिए ओके ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा चोल क्या दोस्तों चोल दोस्तों अगर मैं बात करूँ पुहार और कावेरी पटनम जो है वो किधर से कावेरी नदी से दोस्तों कितनी दूर बनाया गया है एक किलोमीटर लगभग है ये याद रखिएगा चोल वंश दोस्तों किसके द्वारा फाउंड किया गया था विजय विजयालय के द्वारा किया गया था दोस्तों विज्यालय के द्वारा और दोस्तों राजराज चोल क्या दोस्तों राजराज राजराज चोल जो है उन्होंने राज राज चोल राज उन ने इन्होंने क्या बनवाया दोस्तों ब्रिद्धेश्वर दोस्तो? मंदिर बनवाया है क्या दोस्तों मंदिर बनवाया है कहां पर है दोस्तों मंदिर तंजोर में है कहां पर दोस्तों तंजोर और तंजोर कहां पर दोस्तों तमिलनाडु अगर मैं बात करूं दोस्तों जो पीक में कब था चोल दोस्तों तो इसको कहा जाता है जब राजेंद्र चोल थे कौन दोस्तों राजेंद्र चोल थे तब ये पीक पर था ये याद रखना है चोल डायनेस्टी को दोस्तों क्या कहा जाता है क्लासिकल या फिर मैं कहूँ गोल्डन डायनेस्टी या फिर गोल्डन पीरियड ऑफ साउथ इंडिया क्या दोस्तों गोल्डन पीरियड ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है इसको चोल डायनेस्टी ठीक है आगे बढ़े हाँ पवन आज एमटीएस के क्वेश्चन होंगे रात को 11 से 12 बजे डेफिनेटली उसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हो जहां पर हम लोग एनालिसिस के बेसिस पे क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे ठीक है तो अगला क्वेश्चन दोस्तों वॉट वॉज द नेम ऑफ मैगजीन पब्लिश बाय महात्मा गांधी दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था सभी लोग को बताना है दोस्तों यहाँ पे स्वतंत्रता द टाइम्स यंग इंडिया या फिर इंडिया मिरर जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा था यहाँ पे जो कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया था इसको फटाफट फड़ से सभी लोग बताएंगे ठीक है चलिए तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है सभी लोगों का कि सी ऑप्शन होना चाहिए सी ऑप्शन होना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा सी ऑप्शन होगा यंग इंडिया की अगर मैं बात करूँ महात्मा गांधी जी का जन्म दोस्तों 1869 में हुआ था इन्होंने दोस्तों हिंद स्वराज या स्वराज हिंद क्या दोस्तों स्वराज हिंद जो है वो किताब लिखी थी उन्नीस में ये भारत आए थे दोस्तों नौ जनवरी उन्नीस को ठीक है yup. इसी को दोस्तों हम लोग मनाते हैं एन आर आई डे ठीक है ये याद रखेंगे दोस्तों द टाइम्स किसने लिखी है हैनरी लूस ने किसने दोस्तों हैंनरी लूस ने लिखी है, है। जल्दी से बताएंगे स्वतंत्रता किसने लिखी है क्या देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने लिखी है क्या दोस्तों जल्दी से बताइए क्या ये देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने लिखी है क्या और इंडिया मिरर किसने लिखी है दोस्तों जल्दी से फटाफट बताइए सभी लोग बताइए हाँ दो अक्टूबर एटीन में पैदा हुए थे फटाफट बताइए क्या गलत है जल्दी अभी तक किसी का नहीं आया दोस्तों जल्दी से बताइए क्या देवेंद्र नाथ टैगोर ने यस yes, एम ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया कि सर इंडिया मिरर जो है इसको लिखा था देवेंद्र नाथ टैगोर ने बहुत बढ़िया इसको लिखा है किसने देवेंद्र नाथ टैगोर ने लिखा है फिर स्वतंत्रता किसने लिखा है वो तो लिखा था बाल गंगाधर तिलक जी ने बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक तो इसको नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों दोस्तों इसीलिए मैं पूछता हूं कि कॉन्फिडेंस मतलब जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप मेरे आंसर को बत कहिए कि भाई सही है आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस लाना होगा इसलिए मैं कई बार आपसे पूछता भी रहता हूँ बीच में ठीक है तो हाँ जी यहां पर क्या होंगे यहां पे स्वतंत्रता याद रखिए बाल गंगाधर तिलक इंडियन मिरर जो होगा वो देवेंद्रनाथ टैगोर ठीक है आगे बढ़ते और ये काट दीजिए भैया अगला क्वेश्चन दोस्तों दोस्तों द मोस्ट कॉमनली ब्लीचिंग एजेंट फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पे पेयजल आपूर्ति कीटाणु रहित करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला विरंजन कौन सा है फिनाइल क्लोरिन एल्कोहल और डिस्टिल्ड वाटर जल्दी से बताइए दोस्तों फटाफट से फटाफट से सभी लोग बताएंगे क्लोरीन 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 यहाँ पर आंसर आ रहा है तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर आपने देखा है दोस्तों बारिश में आप देखते हो पानी जो है थोड़ा सा उसका जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है और कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है उसको दोस्तों कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है ठीक है फिनाइल का तो नहीं करेंगे फिनाइल का करेंगे तो बचेंगे भी नहीं ठीक है अल्कोहल का दोस्तों अगर करेंगे तो घर में अलाउ नहीं होगा ठीक है डिस्टिल वाटर दोस्तों जब डिस्टिल वाटर है तो उसको सफाई क्यों करना है जब डिस्टिल वाटर है ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कथकली कली डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट दोस्तों कथकली कली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है गोवा से गुजरात से केरला से या फिर पंजाब से जल्दी से बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट को बताना है सभी लोगों को ठीक है केरल 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 आंसर आ गया सभी का तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा केरला दोस्तों केरला से हमने पढ़ा था मोहिनी अट्टम भी है क्या दोस्तों मोहिनी अट्टम भी है ठीक है मोहिनी अट्टम दोस्तों यहाँ पे हमने पढ़ा भी था पर्सन का नाम सुनंदा नायर दोस्तों इसके बहुत अच्छे नृत्यांगना नि, है ठीक है सुनंदा नायर ठीक है कत्थक कली अगर हम बात करें दोस्तों इसके कौन थे कृष्णा नायर थे कौन दोस्तों कृष्णा नायर ये भी याद रखेगा गोवा से दोस्तों एक फेमस है फुगड़ी क्या दोस्तों फुगड़ी इसका लोक नृत्य है ये याद रखेगा ठीक है गुजरात से अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको गरबा डांडिया और भवई क्या दोस्तों गरबा डांडिया और भवई देखने को मिलेगा पंजाब की अगर बात करता हूं दोस्तों यहां पे भांगड़ा गिद्धा ये सब देखने को मिलता है नृत्य ठीक है आगे बढ़े अगला क्वेश्चन वेयर वॉज द फर्स्ट ऑयल वेल डिस्कवर्ड इन आसाम दोस्तों असम में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था क्या वो दिग्बोई था रुद्रसागर था नाहरकतिया था या फिर मोरान हुग्रीजन होता जल्दी से बताइए कहाँ पे है फटाफट से बताएंगे और दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया एक बार फटाफट से क्या करेंगे लाइक करेंगे और दोस्तों शेयर करेंगे जल्दी जल्दी से फटाफट से और आंसर भी बताते हुए चलना है करेक्ट आंसर क्या होगा तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो चुका है सभी का कि सर दिग्बोई होना चाहिए दिग्बोई दिग्बोई तो दोस्तों यहां पे दिग्बोई दोस्तों यहां दोस्तों दोस्तो आपको पता होना चाहिए यहां पे दिगबोई जो है यहां पे डिस्कवर किया गया था उसके बाद दोस्तों इसको क्या किया गया खनन करके निकालने लगे ऑयल को ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर मैं बात करूं विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है क्या वो लीवर है पैंक्रियाज है एड्रेनल है या फिर थाइमस है जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग बताएंगे यहाँ पे न, लीवर कह रहे हैं शर्मुखा कह रहे हैं सर ए ऑप्शन मेघा ए के साथ सिडबोर्ड लीवर तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे लीवर दोस्तों यहाँ पे लीवर क्या प्रोड्यूस करता है बाइल जूस ये एमटीएस का क्वेश्चन है दोस्तों कि बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है तो लीवर करता है ये याद रखना पैंक्रियाज दोस्तों यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करता है पैंक्रिएटिक जूस क्या करता है दोस्तों पैंक्रिएटिक जूस करता है ठीक है दोस्तों पैंक्रियाज में एक सेल होता है बीटा सेल क्या होता है बीटा सेल और बीटा सेल दोस्तों क्या प्रोड्यूस करता है इंसुलिन प्रोड्यूस करता है क्या करता है इंसुलिन और दोस्तों अगर इंसुलिन अच्छे से ना बने तो भैया डायबिटीज के चांसेस हो जाते हैं क्या हो जाते हैं दोस्तों डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं एड्रिनल को दोस्तों इसको हम लोग कहते, है, कहते, है, कहते हैं एमरजेंसी ग्लैंड क्या कहते हैं दोस्तों एमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं एमरजेंसी ग्लैंड और दोस्तों ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है किडनी के पास होता है दोस्तों इसी को फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट ग्लैंड भी कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड को तो ये याद रखेंगे थाइमस दोस्तों कहां से प्रोड्यूस होता है ये थायरॉयड ग्लैंड से होता है किससे दोस्तों थायरॉयड ग्लैंड से होता है ये भी याद रखना है ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए और सबसे छोटा अगर ग्लैंड पूछ लेगा दोस्तों तब आप आंसर कर दीजिएगा पीनियल ग्लैंड क्या दोस्तों पीनियल ग्लैंड कर दीजिएगा सबसे छोटा ग्लैंड ठीक है स्मॉलेस्ट अगर आपसे पूछ लेता है दोस्तों मास्टर ग्लैंड मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं दोस्तों ये हम कहते हैं पिट्यूटरी को किसको दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है यहाँ पे मास्टर ग्लैंड ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द हीराकुड डैम लोकेटेड निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हीराकोड बांध स्थित है क्या वो हरियाणा में है उड़ीसा में है उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में फटाफट फड़ बताएंगे दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे यस यह पिट्यूटी जो है दोस्तों उसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं फटाफट फड़ से यहाँ पे बताइए जल्दी से हीराकोट कहाँ पर है उड़ीसा 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 तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा दोस्तों हीराकोट डैम की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा डैम है ठीक है दोस्तों ये कौन सी नदी पर है महानदी पर है किस पे दोस्तों महानदी पर है कौन से राज्य में है दोस्तों तो ये संबलपुर सॉरी कौन से जिले में है तो ये संबलपुर जिले में है और कौन से राज्य में, तो में है दोस्तों तो ये उड़ीसा राज्य में है ये याद रखना है ठीक है

तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा बैंगलोर बैंगलोर कह रहे हो दोस्तों बैगलोर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद को दोस्तों सिटी ऑफ पर्ल कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों सिटी ऑफ पर्ल कहा जाता है मुंबई को दोस्तों यहाँ पे सिटी ऑफ सेवन आइलैंड क्या दोस्तों सेवन आइलैंड लैंड ऑफ सेवन आइलैंड भी कहा जाता है ठीक है दोस्तों इसको क्या कहा जाता है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया क्या दोस्तों चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है ठीक है आगे बढ़ें चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने द बुक हर चरिता वॉज रिटन बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग दोस्तों हर चरिता पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है कालिदास बानभट्ट चराका और चाड़क्य जल्दी से बताइए किसके द्वारा लिखी गई है हां डिट्रॉयड कहा जाता है बिल्कुल सही बता रहे हैं डिट्रॉइड ऑफ एशिया भी बोलते हैं डेट्रॉयट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है यहां पे करेक्ट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है सर बानभ्टानभट्ट तो दोस्तों करेक्ट आंसर है बानभट्ट ठीक है कौन से लैंग्वेज में लिखी गई है दोस्तों संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है बानभट्ट ने दोस्तों कदम्बरी भी लिखी है क्या दोस्तों कदम्बरी ठीक है चलें, चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने इन विच स्टेट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया लोकेटेड दोस्तों यहां पे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है यह आपको बताना है कर्नाटका आंध्र प्रदेश असम या फिर महाराष्ट्र जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा पूछा गया है वाटरफॉल सबसे बड़ा हाइएस्ट यहां पर कहां पर है जल्दी से बताएंगे तो यहाँ पे कह रहे सर कर्नाटका कर्नाटका तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा कर्नाटका होगा दोस्तों कौन सा है वाटरफॉल दोस्तों वो कुंचीकल वाटरफॉल है कौन सा दोस्तों यहाँ पे कुंचीकल वाटरफॉल है ठीक है कितनी हाइट है दोस्तों इसकी फोर मीटर हाइट है और दोस्तों ये कौन सी रिवर पे है वराहा रिवर पे है ठीक है ये याद रखेंगे दोस्तों जॉग फॉल याद रखिए कई बार जॉक फॉल पूछ लेता है तो दोस्तों वो शारावती रिवर पर है किस पे दोस्तों शारावती रिवर पर है अगर विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों फॉल पूछा जाए तो एंजल फॉल दोस्तों परिया कहाँ पे पाई जाती है वेनेजुला ठीक है हंसी मजाक बाद लेकिन एंजल फॉल जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है ठीक है तो ये याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन रहा है ठीक है दोस्तों तो फिर ओ हो 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 दोस्तों यहां पे समय होता है समाप्त जहां पर दोस्तों हमने एसएससी सिलेक्शन फेज टेन के लिए आज मिक्स क्वेश्चन किया है दोस्तों तो अब हर रोज यहां पे छह से सात एसएससी सिलेक्शन फेज टेन की क्लास होगी और दोस्तों यहां पर दो से तीन कितने बजे दोस्तों दो से तीन आपकी एम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे और रात को दोस्तों ग्यारह से बारह दोस्तों एस रेलवे जहां पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जी का जगराता होगा और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हो पीडीएफ के लिए आप टेलेगे पे जुड़ जाइए दोस्तों वहाँ पर सारे पी आपको मिल जाते हैं अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों वहाँ पे सर्च करना है एट द रेट गौरव सर टेक्स बुक क्या करना है दोस्तों एट द रेट गौरव सर टेक्स बुक ये दोस्तों ये लिखा हुआ है आप इसको सर्च कर सकते हो इसको स्कैन कर सकते हो और दोस्तों गौरव मौर्य सर टेक्स बुक आप सर्च करके भी जुड़ सकते हो ठीक है बाकी मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे दौड़ना ना पड़े तो दोस्तों ये रही लिंक आपके लिए तो आप लाइव चैट पे मैंने आपको लिंक दे दिया है तो आप लोग यहां से जुड़ सकते हो ठीक है बहुत सारी लिंक दे दी है लाइव चैट पे ठीक है और दोस्तों टेक्स बुक आपके लिए क्या लेकर आया है यहाँ पे फ्लैश सेल आपकी तैयारी में एक कदम आपको बढ़ने के लिए आगे जहां पर दोस्तों तीन सॉरी चार में एक सालाना पास मिल रहा था अब वो दोस्तों आप वहां पर पच्चीस का डिस्काउंट लेके आप तीन में सालाना पास ले सकते हो और दोस्तों ये पच्चीस जो छूट है वो आपको सिर्फ पंद्रह जुलाई तक के लिए अवेलेबल है और इसको लेने के लिए दोस्तों आपको कूपन कोड यूज़ करना है गैम पास जी ए एम पी एस एस जैसे इस कोड को यूज़ करोगे दोस्तों आपको 25% परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा और दोस्तों कैसे ले रहा है ये यूट्यूब पे आपको इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में वहां पर टीचर लिंक के नाम से उसको ओपन करेंगे वहां पर यह कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टू डेट मिलते रहे और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा यह सेशन आपको कैसा लगा है मिलेंगे अगले सेशन में मतलब रात के 11 से 12 बजे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए पढ़ाई करते रहिए अपनों का ख्याल रखिए इस दोस्त को दीजिए विदा जय हिंद जय जै भारत